हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडियन मॉम के किचन में स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल एग करी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही टेस्टी बनाया है। चलिए आप लोग देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं। अब बॉयल आलू में मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैंने 2 चम्मच उसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और बॉयल आलू मैंने 2 बड़े साइज के लिए थे और उसमें कॉर्नफ्लावर डाल के मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी दोस्तों। साथ में ही मैंने उसमें एक ब्रेड के जिसके कॉर्नर को मैंने काट दिया था उसे भी इसमें मिला लिया है। और उसे मिलाने के बाद मैं अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। आप ब्रेड ताज़ा ही ब्रेड लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़े आपको लगे कि अभी आपकी जो हमने जो आलू को मिलाया अगर आपको थोड़ी सी गीली लगे तो इसमें आप आधा ब्रेड कॉर्नर काट के और मिला सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं और बॉल्स बनाने के बाद मैं इसे मैंने जो अलग से कॉर्नफ्लावर लिए थे उसमें रखते जा रही हूँ, क्योंकि फिर से मैं इसे कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह से मिलाऊंगी। और मिलाने के बाद फिर से मैं इसे तलूंगी दोस्तों। इसे मैंने मीडियम साइज़ का ओवल शेप का बॉल बना लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू से देखिए मेरे 7 मीडियम साइज़ के 7 अंडा के शेप के 7 बॉल्स बने हैं। और इसे मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर में एक बार मिला लिया है और साइड में मैं रखती जाऊंगी। और इसे रखने के बाद मैं इसे 5 से 6 मिनट तक छोड़ दूंगी। और उसके बाद फिर से मैं 5 मिनट के बाद ऑयल गर्म करके मैं फिर से इसकी कॉर्नफ्लावर में रब करके फिर से तलूंगी दोस्तों। देखिए 5 मिनट तक बॉल्स बनाए हुए हो गए थे, मेरे ऑयल भी गर्म हो गए। और अब मैंने सरसों का तेल लिया है इसे फ्राई करने के लिए। अब मैं फिर से इसे इस बॉल को कॉर्नफ्लावर में रब करके तल ले रही हूँ। इससे टूटने का थोड़ा सा भी खतरा नहीं रहेगा दोस्तों। इसे आप मीडियम टू हाई पर तलिएगा, स्लो में मत तलिएगा, नहीं तो टूटने का बिखर के टूटने का डर रहता है। और एकदम हाई भी मत रखिएगा, हाई फ्लेम में डाल दीजिएगा और उसके बाद फ्लेम को लो कर दीजिएगा, जिससे ये भीतर तक बहुत ही अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट बनते हैं दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज रेसिपी है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइए, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ में साइड में रखी हुई बेल भी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब देखिए मैंने धीरे धीरे करके अपने बॉल जो जिसे मैंने एक का शेप दिया है उसे मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी, जो दिखने में बिल्कुल एक करी लग रहे हैं, लेकिन इसमें हमने किसी भी तरह की कोई भी बाहर की चीज़ों को नहीं डाला है। देखिए अब मैं इसे निकाल लूँगी अच्छी तरह से। और फिर से मैंने देखिए इसे मैं इसे तल लूँगी दोस्तों। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, इसमें केवल मैंने आलू और ब्रेड का उपयोग किया है। और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। ब्रेड मैंने केवल 1 पीस डाला है। अगर आप ज़्यादा आदमियों के लिए बना रहे हैं तो आप आलू की मात्रा बढ़ाइएगा, तो उसी हिसाब से आप ब्रेड के पीस को भी बढ़ा दीजिएगा। और ब्रेड का हमेशा कॉर्नर निकाल लीजिएगा, जिससे उसके कड़े वाले पार्ट निकल जाए। और साथ में आलू के साथ अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें आप पनीर भी मिला सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। वैसे इस तरह से भी ये बहुत टेस्टी लग रहे थे दोस्तों। अब देखिए वेजिटेरियन एग करी को मैंने अच्छी तरह से गुलाबी होने तक तलना है हमें, जिससे देखिए मैंने इस समय भी अपने फ्लेम को मीडियम रखा है, इससे चारों तरफ से अच्छी तरह से सुनहरे भी हो जाएंगे। और अब देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, जब ये हल्के सुनहरे हो गए तो। और अब इसी तेल में मैं जीरा डाल दूंगी, आप चाहे तो खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने जीरा डाल दिया है दोस्तों,
तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिएगा और अब मैं तेज़पत्ता डाल दूँगी। जब जीरा और तेज़पत्ता अच्छी तरह लाल हो जाएगा तो मैं बाकी के चीज़ों के वो डालूँगी इसमें दोस्तों। और अब मैंने देखिए बारीक पेस्ट किया हुआ जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, 1 अनियन और 2 टमेटो और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक भी ले लिया था, इसे इसमें डाल दिया दोस्तों। इसे अच्छी तरह हमें भूनना है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने जिंजर डाला है और साथ में मैं गार्लिक भी डाल दूँगी, एक साथ सभी चीज़ों को हमें भून लेना है दोस्तों। मैंने 1 अनियन लिया था और 2 टमेटो लिए थे मैंने, उसे अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था और साथ में ही मैंने ऊपर से 1 बड़ी चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, साथ में ही मैंने नमक डाला है थोड़ी सी, मैंने इसमें करी पाउडर भी डाला है। अब सबों को अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनेंगे दोस्तों। और अब मैंने धनिया और जीरा का पाउडर डाला है और साथ में ही मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो तीखी चिली भी डाल सकते हैं। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा किचन किंग पाउडर डाला है। ये सब ऑप्शनल है दोस्तों, जो भी आपके पास करी पाउडर है आप अपने फ्लेवर के हिसाब से मिला सकते हैं। अगर आपके पास चिकन मसाला या मटन मसाला है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। मेरी सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून गई थी और उन्होंने बिल्कुल तेल छोड़ दिया था दोस्तों। तो अब मैंने इसमें पीसे हुए काजू के पेस्ट को 2 चम्मच भर करके डाला है और देखिए काजू के पेस्ट डालने से हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज बन गई है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें एकदम आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली थी, जो वो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए अन्यथा नहीं भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगे तो अच्छी तरह से बॉयल होने पर मैं बाद में गरम मसाला डाल दूंगी दोस्तों। देखिए अब हमारी करी जो है से बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। अब मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा मैंने क्रीम डाल दिया है, क्रीम मैंने 2 चम्मच डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने प्योर घी डाला है। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा दोस्तों। इस ग्रेवी को ज़रूर बनाइए और इस करी को, बहुत ही टेस्टी सब्जी है, वेजिटेरियन एक करी। बॉल को कभी भी रस में मत डालिएगा जब आपको सर्व करना हो, तो जो हमने बाउल बनाए हैं अंडा के सेप के उसमें मैं ऊपर से करी डाल दूंगी, लेकिन आप जब भी सर्व कीजिए उसी समय डालिए, क्योंकि हमारे ये जो बॉल बने हैं एक बॉल जिसे हम कह रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। बस आप उसे अरेंज करके रख लीजिए और खाने के पहले सर्व कर दीजिए और उसके ऊपर से देखिए गरम गरम ग्रेवी के ऊपर से मैंने ऊपर से बॉल को रख दिया है। थोड़ा सा ग्रेवी में और ऊपर मैं डाल दूँगी फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से और डाल दीजिएगा। और इतने सॉफ्ट बने हैं कि पूरा मुंह में घुल जाने वाले हैं, इसे आप ज़रूर बनाइए, आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगी। ऊपर से मैंने थोड़े से क्रीम से गार्निश कर दिए हैं, इसे आप रोटी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये वेजिटेरियन जो एक करी है इसे आप बहुत ही कम खर्चों में बहुत ही टेस्टी सब्जी बिल्कुल होटल के स्टाइल की बनती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, टिल देन बाय बाय, टेक टेक।